₹20 की सब्जी मेरे को ₹100 के बेच रही है वो। अच्छा लेकिन तुम बस ले ली वहां से, क्यों? क्योंकि वहां सब्जी अच्छा दिखता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बोलो जिम कब लेके चलोगे मेरे को? वो मकर संक्रांति। क्यों डांटा तुमने मेरे को? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, स्लो हो गया। उससे भी स्लो हो गया, पहले से भी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी स्क्वायर ब्लॉग। सो गाइज, आज है छुट्टी। गाइज आज मेरे हस्बैंड फ्री हैं। आज मेरे हस्बैंड के पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं बोली चलो मुझे चाय पिला के लाओ बाहर, थी मेरे छुट्टी के रेडी रहो। तो फिर मैं तो फटाफट रेडी हो गई, क्योंकि पास में ही जा रही हूँ, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल। और वो उनको देखिए पूरा ऊपर से नीचे एक कलर में आजकल रेडी हो जाते हैं। कल भी ऐसे ऊपर से नीचे पूरे ब्लैक हो गए थे, आज ग्रे हो गए हैं। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। सो गाइस, ये सुबह ही उठ चुके थे, कहते अपना कार सर्विसिंग के लिए देना था, तो ये कार सर्विसिंग मैंने देखे हैं, सर्विसिंग नहीं मतलब बुलवाने के लिए। गाइस यहाँ पे मैंने ये कपड़े धुल के डाले हैं। आपको पता है कि यहाँ पे बिल्डिंग्स में कपड़े सुखाने की जगह नहीं होते हैं, तो यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, उसी पे मैं ये अपने बेडशीट को सुखा देती हूँ, तो ये थोड़ा सा। और फिर ये जो स्टैंड है ना, इस पे मैं ऐसे कपड़े डाल देती हूँ करके। सासू माँ बोली है कि उसको चाउमीन मत खिलाना, उसको मैगी मत खिलाना, उसको हेल्दी बोलो खाने और दौड़ाना उसको। दौड़ूंगी अब मैं डेली जिम जाने के लिए, उठ जाते हो, ये उठते ही नहीं है। इनका तो समझ ही नहीं आता है क्या करना चाहते हैं। अपने पतले हैं, अपने फिट है, तो मेरे को गधा बना के छोड़ेंगे लग रहा। बोलो जिम कब लेके चलोगे मेरे को? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन जिम क्यों जाएंगे? फिर 26 जनवरी को चलना है। अभी हो रहे हैं शाम के 4 और हम लोगों ने अभी अपना लंच एंड ऑल सब कुछ कर लिया है। एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गया था, तो हम लोग 2:30 अराउंड लंच किए हैं। तो लंच वंच करके फ्री होके थोड़ा देर रेस्ट वेस्ट कर लिए हम लोग, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा सोचे भाजी वगैरह ले आते हैं। भाजी मीन्स ये साग वगैरह, मेथी की भाजी और चना की, देखते हैं कौन सा लेते हैं। तो सोचे चलो थोड़ा ले आते हैं। और गाइस मुझे गाजर का हलवा खाने का मन होता है, गाजर नहीं था, तो मैं बोली इनको चलो यार गाजर लेके आते हैं। ठंडी है तभी तक ये सब सब्जियाँ मिलती हैं, फिर बाद में मिलती भी नहीं है। और मम्मी लोग भी बोलें कि भिंडी करेली तो हमेशा मिलता है, जो साग सब्जी है वो हमेशा नहीं मिलता है, तो साग सब्जी खाओ, क्या ही खा रहे हो तुम लोग। तो मैं सोची चलो ठीक है भाई, हम भी ले आते हैं। तो सो गाइस ये भी रेडी हो चुके हैं, और मैं तो पहले ही रेडी हो गई थी जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। और अब हम लोग निकल रहे हैं, झोला ले लिए हम सब्जी लेने जा रहे हैं। गाइस सब्जी लेने, तरकारी और अते बलमुआ दिल सगारी हो तरकारी के बिना ना। नहीं सुनने वाला गाना है? गाना है राते बलमुआ दिल सगारी हो तरकारी के बिना ना। एक तो में गारी दिहलस दूसरे में मार, ओह पर सास लल कर सो तरकारी के बिना ना। सो गाइस कौन कौन ये गाना सुना है भोजपुरी गाना, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे हस्बैंड को भोजपुरी गाना समझ में आता नहीं है, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी अब रास्ते में। बाय बाय। सो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं, और गाइज मुझे सीट आगे पीछे करना नहीं आता, तो मुझे बोल रहे गधा टाइप आके बैठ जाती हो, कुछ नहीं आता। आता है मेरे को, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हो तो कर दिया करो, है कि नहीं? सही बात है। तो मेरे को बोलते हैं कुछ नहीं आता जाता, गधा टाइप आके आगे सबसे आगे आके बैठ जाना है, ये नहीं कि सीट आगे पीछे करे बराबर करे। एनीवेज सो गाइज हम लोग आगे सब्जी लेके, और क्या बोलना चाहते हैं? क्या चाहेंगे? अच्छा है सब्जी लेके आ गए खाने। गाइस बहुत महंगा सब्जी थी ये, खा लेते हैं आपको इसका शौक दिख रहा होगा आपको शीशे से, जहाँ पे केला वगैरह टंगा हुआ है ना। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रूम पे, और हम लोगों ने लाए बहुत सारे सामान, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें पूरी सब्जी है,
इसमें सब्जी है और ये राइस है 10 kg का। फिर यहाँ पे भी सब्जी फ्रूट्स वगैरह हैं और ये आटा है। सो गाइस हम लोग ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेते हैं एक बार में, क्योंकि क्या पता बीच बीच में हम लोग कहीं चले भी जाते हैं घूमने, फिर ज़्यादा रख दो तो पता है। लास्ट टाइम मेरे चावल में पिल्लू हो गया था, मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब हो गया था उस पिल्लू को देख के, बहुत घिना रही थी, लिटरली लग रहा था पूरा चावल उठा के फेंक दूँ। फिर भी गाइस हमारा कुछ प्लान भी है अभी नेक्स्ट आने वाले 2 वीक के बाद, तो वो भी हम आपको जल्दी बताएंगे हमारा क्या प्लान है। तो आज चक्कर में सब्जी लेने गए, मेरे को 30 रुपए की सब्जी मेरे को 100 रुपए के बेच रही हो, लेकिन तुम बस ले ली वहां से। क्यों? क्योंकि वहां सब्जी अच्छा दिखता है, अच्छा हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा दिखता है बस। हम लोगों ने पिछली बार मना किए थे कि ये वेंडर्स ऐसे हैं जो सब्जी कहीं और से ले करके आते हैं, थोक में नहीं लाते हैं लोग। तो मत आंसर दो, कोई भी जब चीज तुमको बताते हैं तो उस चीज को समझने के बजाय एक तो झगड़ो की फालतू का, जब झगड़ती भी हो तो उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। आज लास्ट है, आज के बाद मैं अब उसकी शॉप पे नहीं जाऊंगी, वो बुद्धू बनाती है बहुत महंगा। 30 रुपए की सब्जी कितने की दे रहा था? 90 रुपए। 90 रुपए मतलब 60 रुपए वो कमीशन ले रहा है सब्जी का, लिटरली 60 रुपए। चार वो ले रही थी, क्या बोलते हैं काजू, क्योंकि हम डालेंगे गाजर के हलवा में, 4 ठो वो ले रही थी 4 ठो काजू, 20 रुपए का। हम बोले जब लेना ही है तो फिर आधा किलो 1 किलो ऐसे हिसाब से ले लो, ये 20 रुपए का पाउच में रहने के लिए आया क्या यहाँ पे? हम लोग बैचलर रहते हैं क्या, हॉस्टल में रह रहे हैं? भूल जाता है ना इसलिए, देखो अभी भूल गया ना, नहीं लिए। क्या नहीं लिए? काजू किशमिश, ध्यान से उतर गया। वहाँ पे तुमको लेकिन तुरंत याद आया क्योंकि काउंटर पे 20 रुपए का 4 काजू लटका के रखा था, तुरंत याद आया कि गाजर में डलेगा तो काजू यही का डलेगा। अब हो गया, गाइस आप लोगों ने देख लिया ये कितना डांटे मेरे को। खैर मेरी गलती है, क्योंकि एक्चुअली जहाँ पे मैं गई थी ना सब्जी लेने, वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक फ्रेश अच्छे से रखती है, तो मेरे को लगता है चलो ठीक है यहाँ पे इजी लेना। स्टार बाजार में भी वैसे कभी नहीं रहता था स्टार मार्केट में, लेकिन आज पता है आज सारा भाजी सब्जी सब कुछ था। सो गाइस मैं डांट ओट खाने के बाद, क्यों डांटा तुमने मेरे को? डांटे कहाँ है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, स्लो हो गया। उससे भी स्लो हो गया पहले से भी, पहले पहले तो तुम स्लो था, अब उससे कितना स्लो हो जाएगा यार। एनीवेज गाइस तो उसके बाद मैं, मुझे भूख लग गई थी एज यूजुअल, डांट खाने के बाद मुझे भूख लग जाती है। तो मैंने बना ली मैगी, और गाइस मैंने मैगी बहुत ज्यादा बना दिया मजाक मजाक में। मैगी बनके रेडी हो गई है और मैंने सब कुछ मटर वटर सब कुछ डाल के बनाया है, ग्रीन क्या बोलते हैं वेज मैगी बनाया मैंने अभी। अब हम लोग खाएंगे मैगी, उसके बाद मैं पीऊंगी चाय, उसके बाद मैं 9 बजे से तैयारी करूंगी अपने डिनर की। सो गाइस अभी हम लोग आए थे बाहर, हम लोग सारा सामान लेके चले गए, लेकिन कुछ भूल गए हम लोग, कुछ भूल गए, कुछ में क्या भूल गए, ड्राई फ्रूट्स और घी जो कि अभी जरूरी था उसका। तो हम लोग भाई गाजर इतना महंगा लिए हैं सोने के भाव, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? तो हम सोचे, मैं बोली गाजर का हलवा बनाएंगे तो उस पर ड्राई फ्रूट्स डालना है, और ड्राई फ्रूट्स था नहीं, तो ये बोले चलो ठीक है लेके आते हैं। फिर मैंने चाय भी पी लिया, ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए और घी भी ले लिए, और लेकिन आज नहीं बनाएंगे गाइस, मैं पेट भर गया मैगी खा के, मन नहीं एकदम भी खाने का, पेट में जगह नहीं है, और इनको अगर खाना होगा तो रोटी सब्जी बनाएंगे, लेकिन हलवा बनेगा कल, ठीक है? तो गाइस अभी हम रास्ते में हैं, वॉक करके जा रहे हैं, 5 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। सो गाइस आ चुके हैं रूम पे, और अभी मैं डिनर कुछ नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है। बिल्कुल मैं सब्जी लेके आई हूँ, उसको मैं वॉश करूँगी पहले, उसको फिर मैं फ्रिज में रखूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं बाकी कुछ भी नहीं करने वाली अभी। सो गाइस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और गाइस खूब सारा प्यार दीजिए, और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। अभी हम लोगों का कुछ प्लान भी है जैसा मैंने आपको बताया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब कुछ पता चलेगा आगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।